तो हे गाइस, माय नेम इज परवीन नरेश, वेलकम बाय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस इंस्टाग्राम की ये वाली रील्स जो है एडिटिंग करना सिखाऊंगा। दोस्तों, काफ़ी वायरल हो रही है, बहुत लोग इस पर वीडियोस भी बना रहे। तो दोस्तों, आपका बहुत बड़ा चांस होता है कि दोस्तों आपकी वीडियोज़ भी वायरल होगी अगर आप इस टाइप की वीडियो बनाते हैं तो। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कैसे इस वाली रील को एडिटिंग करते हैं, कौन से एप्लीकेशन में करते हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से बताऊँगा। दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो यार, वीडियो को शुरू करते हो। वीडियो शुरू करने से आपको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक किया करें, कि दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते हो पर लाइक नहीं करते। दोस्तों, आपको एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन करती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पिक्सआर्ट। तो दोस्तों पिक्सआर्ट आपको डाउनलोड करके ओपन करना है, फिर प्लस वाले पर जाना है, एडिट फोटो पर जाके आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर दोस्तों बैकग्राउंड वाले पर जाना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला दोस्तों आपको एक ट्रांसपेरेंट दोस्तों बैकग्राउंड लेना है। ठीक है, इसको इस टाइप का एक बैकग्राउंड होगा, इसको दोस्तों ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे ऐड वाले फोटो पर, फिर दोस्तों आपको एक अपना फोटो को ऐड कर लेना है जिस पे आप रील बनाना चाहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं एक फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों इस फोटो को हमको क्रॉप करना है। ठीक है, तो साइड में जाके एक ऑप्शन होगा दोस्तों फ्री क्रॉप करके, ठीक है, ऑप्शन होगा इधर, जो आपको बहुत सारे इधर मिल जाएंगे डिजाइन। ठीक है, आप जो चाहे डिजाइन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पर यहाँ से कोई परफेक्ट डिज़ाइन जो है वो कर लेता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाली कर लेता। ठीक है, इसको इतना बड़ा करके इसके फेस के हिसाब के रख देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, डन हो गया। फिर हमको इसको इतना कर लेता था कि देख, ये सारे कॉर्नर भी दोस्तों हमारे राउंड हो गए। इसके बाद इधर से हमको सेव कर लेना। ठीक है, ऊपर से तो हमारा फोटो जो गैलरी में सेव हो गया। ठीक है, हमको इतना फोटो, हमको जो कॉर्नर को हमको सेट करना है परफेक्ट। ठीक है, इसलिए मैं आपको पिक्सआर्ट यूज़ करने का बोल रहा हूँ। नहीं, आप चाहो तो दोस्तों पिक्सआर्ट को बिना यूज़ के भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या होगा दोस्तों, जो इसके जो कॉर्नर है वो दोस्तों राउंड ही नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट चौरस ही आएंगे। ठीक है, तो फिर दोस्तों आपको जाना है VN एप्लीकेशन में। ठीक है, VN में दोस्तों जाके आपको ओपन कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ सेकंड का वेट करना है, क्योंकि दोस्तों एडवर्टाइज आएगी यहाँ पर। इसके बाद जाना, फिर जाना है प्लस वाला आइकन पर, न्यू प्रोजेक्ट पर जाके आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्लैक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कोई ब्लैक फ़ोटो पड़ा, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक ब्लैक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया, एंड आपको लास्ट में जाके एक दूसरा और ब्लैक पार्ट होगा उसको डिलीट कर लेंगे। ठीक है, उस पर वाटर मैक आ गया, उसको हमको कर लेना है कम से कम 10 सेकेंड तक। ठीक है, मैंने 10 सेकेंड तक इसको बड़ा कर लिया। इसके बाद आप चाहो जितना चाहो बड़ा रख सकते हो, लेकिन मैंने 10 सेकेंड का किया है। फिर उसके बाद दोस्तों हमको जाना है ऐड ए फोटो पर, वीडियो एंड फोटो पर जाके आपको वो फोटो जो भी पिक्सआर्ट से सेव किया उस फोटो को लेके आना। ठीक है, तो इस फोटो को मैंने लेके आया, एंड यहाँ पर हमको रख देना। ठीक है, इतना तो मैं इतना रख देता। ठीक है, हाँ इतना रख दिया मैंने। इसके बाद दोस्तों आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करना है यूट्यूब से। ठीक है, यूट्यूब से एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है, उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी 5 से 6 सेकंड की। दोस्तों हमारे वीडियो की प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, इस वीडियो को हमको रोटेट करना है। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे रोटेट वाला ऑप्शन है, इसको मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा रोटेट हो गया, इसको फुल स्क्रीन करके इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। इसके बाद एंड में जाओगे तो एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन आएगा, ब्लेंडिंग पे जाके दोस्तों आपको करना है स्क्रीन पे। ठीक है, तो स्क्रीन पे करने के बाद डन कर लेना है। तो बीच वाले फ़ोटो को हमको बड़ा कर लेना है। ठीक है, थोड़ा अपने एवरेज के हिसाब से, तो 10 सेकेंड का था इसलिए मैंने 10 सेकेंड का कर लिया। ठीक है, एंड इसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कैसा बना है। ठीक है, तो अभी हमने जो साउंड नहीं लगाया, साउंड हम बाद में लगाएंगे इंस्टाग्राम में जाके, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम में एक इफेक्ट लगाना है ग्लिच वाला। ठीक है, तो इसको ऊपर से हमको सेव कर लेना। ठीक है, एक्सपोर्ट पे जाके हमको सेव कर लेना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, लाइक करना ना भूले। ठीक है, अभी एडिटिंग बाकी है दोस्तों, इसको सेव होने दो। मैं बाकी की एडिटिंग जो है आपको इंस्टाग्राम में बताऊँगा और क्या करना है। ठीक है, हमको इफेक्ट लगाना है जो कि इंस्टाग्राम में मिल जाएगा हमको। वीडियो जो सेव हो गया, फिर दोस्तों हमको जाना है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाके दोस्तों आपको गैलरी में जाके आपको वही वीडियो सेलेक्ट करना है जो अभी लाया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से एक इफेक्ट ला लेना है ग्लिच वाला। ठीक है, ये वाला नहीं, तो दोस्तों देख सकते हैं ये ग्लिच वाला मिल गया है ना, आप चाहो तो दूसरा भी रख सकते हो जो काफ़ी कमाल का है, जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ ये वाला। ठीक है, तो ये वाला इफेक्ट आप देख सकते हो कलर फिल्म करके, तो ये काफ़ी चलता है, बहुत लोग इस पर बना रहे, तो मैं भी ये वाला यूज़ करता, आप चाहो तो ग्लिच वाला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई भी आप चाहे तो आपके हिसाब से कोई भी आप रखना चाहे तो रख सकते हो, यहाँ पे जो भी आप इमोजी या कुछ भी। ठीक है,
यहाँ से रख के फिर दोस्तों आपको डायरेक्ट सॉन्ग ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर आप चाहो तो रील भी बना सकते हो यहाँ से, ठीक है, और स्टोरी भी रख सकते हो, बहुत सारे गाने कोई भी आप रख सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। और फिर जहाँ पे गाना आपके सेट हो जाए फिर दोस्तों यहाँ से आपको सेव कर लेना, ठीक। काफ़ी कम टाइम में दोस्तों मैंने आपको ये रील बना के सिखा दी दोस्तों, ज़्यादा मगजमारी नहीं है, मैंने सिर्फ दो एप्लीकेशन को यूज़ किया और दूसरा दोस्तों हमने इंस्टाग्राम को यूज़ कर लिया। आप चाहो तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, दो नहीं आप खाली एक एप्लीकेशन को भी यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये जो कॉर्नर नहीं चाहते हो, यहाँ पर जो कॉर्नर है अगर वो नहीं चाहते हो तो दोस्तों आप एक एप्लीकेशन को खाली यूज़ कर सकते हो, वो है VN, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों का भी शेयर करो और कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे और भी वीडियो जो थे वो भी जरूर देखो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।